नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत सत्यार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है, वो ये आई है कि आप सभी अपने जो आरपीएससी फर्स्ट गेट का जो आपका फॉर्म था उसमें अपने आवेदनों में संशोधन कर सकते हैं। क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, कब से कर सकते हैं, इसकी अपन जानकारी देंगे। जैसे आरपीएससी का जो अपना फॉर्म था वो जैसे भरा गया था अपना फॉर्म भरा गया था, उस फॉर्म के अंदर जो अभी अपने एग्ज़ाम अभी रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं 3 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के मध्य में, सारे सामान्य ज्ञान के और जो अदर अपने पेपर थे वो कंडक्ट हो चुके हैं। सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों पेपर कंडक्ट हो चुके हैं। इन परीक्षाओं के फॉर्म में पूर्व में संशोधन की समय सीमा थोड़ी सी कम मिली थी, इसीलिए सभी अभ्यर्थियों को इसमें संशोधन प्रक्रिया दोबारा से शामिल किया जा रहा है, जिसके अंदर अभ्यर्थी 20 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक संशोधन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें आप अभ्यर्थी का नाम, परीक्षा केंद्र, फोटो, हस्ताक्षर व विषय के अतिरिक्त, मतलब इनके अलावा आप संशोधन कर सकते हैं। वो क्या है, सभी प्रकार के संशोधन। आप इसमें फोटो नहीं बदल सकते, अभ्यर्थी का नाम नहीं बदल सकते, परीक्षा केंद्र नहीं बदल सकते, फोटो और हस्ताक्षर और विषय नहीं बदल सकते। बाकी सभी सूचनाओं को आप चेंज कर सकते हैं, चाहे आपका एड्रेस हो, चाहे आपका फादर्स नेम हो, चाहे आपकी कैटेगरी हो। और जिन्होंने कैटेगरी अपडेशन के लिए डाला था, जैसे पूर्व में आपको कहा था कि ईडब्ल्यूएस वालों को समय कम मिला था, तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक बेहतर खुशखबरी है यहाँ पे कि आप अपने चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको पता है कि इसके अंदर संशोधन चाहने वाले जो भी अभ्यर्थी, उन्हें 300 रुपये का यहाँ पे आवेदन शुल्क जो है वो जमा कराना पड़ेगा। इस आवेदन शुल्क के बाद में ही आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आपका संशोधन नहीं होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन का ही आपको यहाँ संशोधन करवाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही आवेदन संशोधन द्वारा होगा और बाकी और कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको करना क्या है, आपको अपनी एसएसओ आईडी पे जाना है और वहाँ पे जाके आप अपना संशोधन कर सकते हैं 20 जनवरी से। आप जब संशोधन अपना एसएसओ आईडी लॉगिन करें तो वहाँ पे आप माई एप्लीकेशन में जाइएगा। माई एप्लीकेशन के ऊपर ही एक टैब होती है, साइड में आपको थर्ड या फोर्थ टैब मिलेगी, जहाँ पे आपको एडिट एप्लीकेशंस, एडिट फॉर्म्स करके एक टैब अलग से मिलेगी। उस एडिट फॉर्म्स वाले टैब में जाएंगे तब आपको लिंक मिलेगा फर्स्ट गेट वाले का, आपका अपडेशन करने वाला। तो आप अपडेशन कर सकते हैं आने वाली 20 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक। तो आप होपफुली आपको उम्मीद होगी कि एक बेहतर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपने संशोधन दोबारा कर सकते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं आपने फॉर्म में जो भी खामी रही है वो आप सुधार कर सकते हैं। बाकी अदर अपडेट्स के लिए रेगुलर आप चैनल से जुड़िएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अपडेशन का जैसे ही आपको पर्टिकुलर 20 जनवरी को, मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट एसएसओ आईडी पे लॉगिन करके आप जो अपना अपडेट कर सकते हैं। और बाकी कोई भी अदर जानकारी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको पता ही होगा, डेफिनेटली 7733070619 नंबर है। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत जानकारी के लिए आप कॉल करते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बेटर होगा। वहाँ पर डबल नंबर बता रहा हूँ, 7733070619 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बाकी अदर अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, यूट्यूब चैनल सत्यार्थ क्लासेस को, जहां से आपको निरंतर रूप से जानकारियां निरंतर रूप से आपको प्राप्त होती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन कि आपको कैटेगरी में संशोधन करने का और फॉर्म में एडिट करने का दोबारा से मौका दिया जा रहा है, लेकिन यहां पे आपको फीस जो लगेगी वो 300 रुपये आपसे चार्ज होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।